कैप्टन अमरिंदर सिंह एक होर सियासी झटका लग गया है। हुण प्रशांत किशोर ने कैप्टन का साथ छड़ दिता है। कैप्टन अमरिंदर सिंह एक होर सियासी झटका लग्या है। दस दिए कि ओखला वालों नियुक्त किए गए मुख्य सलाहकार प्रशांत किशोर ने कैप्टन का साथ छड़न का फैसला किया है। मुख्यमंत्री के प्रमुख सलाहकार के अहदे तो इस्तीफा दे दिता गया। उन्होंने कहा कि फिलहाल अपने भविख बारे वो फैसला ले रहे हैं। जनतक जीवन तो कुछ समा वो ब्रेक लेना चाहते हैं, जिसको लेके प्रशांत किशोर ने हुण इस्तीफा जिहड़ा है वो सौंप दिता है। तो दस दिए कि कैप्टन अमरिंदर सिंह एक होर सियासी झटका लग गया है, जिस तरह प्रमुख सलाहकार नियुक्त किए गए सन प्रशांत किशोर। उन्होंने ट्वीट भी किया है, लिखा है जिवें तुहानू पता है कि मैं जनतक जीवन तो कुछ समय लिए ब्रेक लैण का फैसला किया है। मैं तुहाडे प्रिंसिपल सलाहकार वजों जिम्मेवारी निभाउण विच असमर्थ हाँ। मैं अपने भविख बारे हाले फैसला लेना है। तुहानू बेनती है कि मैनू मेरी जिम्मेवारी तो मुक्त किया जाए। इस मौके पर तुहाडा धन्नवाद करना चाहना हाँ कि तुसी मैनू इस अहदे दे काबिल समझा। जो प्रमुख सलाहकार वजों नियुक्त किए गए सन प्रशांत किशोर, जिस बारे मुख्यमंत्री ने आप जानकारी सोशल मीडिया के जरिए साझी की थी, लेकिन हुण इस सियासी झटका कैप्टन अमरिंदर सिंह लई। तलोचन जी दे नाल गल करदे आं। तलोचन जी, किन्ना कु वड्डा सियासी झटका असीं मान सकदे आं, क्योंकि प्रमुख सलाहकार वजों नियुक्त किया गया सी प्रशांत किशोर नूं? देखो, मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रशांत किशोर नूं जिहड़े राजनीतिकार ने उहनां नूं अपना जिहड़ा है ओह प्रमुख सलाहकार नियुक्त किया सी। जिस तरह खेती कानूनों लेके लगातार श्रोमणी अकाली दल बसपा आगुआ वालों अपना विरोध जाहिर किया जा रहा है। एक बार फिर सदन के बाहर की तस्वीर तुहानू विखा रहे हैं, जिथे तख्तियां हाथ चो फड़ के इन्हां खेती कानूनों नूं रद्द करन दी मांग की जा रही है। केंद्र सरकार ते इन्हां मुद्दियां नूं अणगौलियां करन दा इल्जाम लगाया जा रहा है। जदों तां मानसून सैशन शुरू होया है, उदों तों श्रोमणी अकाली दल ते बसपा दे आगू जिहड़े ने सदन दे बाहर तख्तियां फड़ के अपना विरोध जाहिर करदे नजर आए ने। जो किसानां दे नाल खड़े होण दा जो अहद लिया सी श्रोमणी अकाली दल ते बसपा ने, उसदी इह तस्वीर हर रोज नजर आ रही है। जिवें तों मानसून सैशन शुरू होया और हर रोज जिहड़े ने आगू जिहड़े ने इत्थे बणे होए ने, इस दे बारे तुहानूं जानकारी होर भी तस्वीरां पहुंचावांगे। फिलहाल इक वार फिर तलोचन जी कोल चलदे आं। तलोचन जी, जिस तरह दे नाल क्योंकि बहुत ज्यादा रणनीतिकार जिहड़े ने प्रशांत किशोर और कई जिहड़े आगुआं नूं चोण जिताउण च अहम योगदान उन्होंने पाया, जे विचकार हुण मुख्यमंत्री का साथ छड़ना की समझदे हो इस दे मायने? बिल्कुल, कैप्टन अमरिंदर सिंह वालों उन्होंने कैबिनेट के रैंक नाल परोसना, सारा कुछ करना, उन्होंने जिहड़ा पंजाब सकत्तरेट विच खूबसूरत कमरा देना, उन्होंने मुहैया करना, स्टाफ देना, और ये बावजूद उन्होंने वालों कैप्टन अमरिंदर सिंह अस्तीफा दे के सिंपल एक यह बहाना लाना कि मैं हुण अपनी जनतक लाइफ तो थोड़ी ब्रेक चाहना आ, इसलिए मैं अस्तीफा देना चाहता। जिहदे तो बड़ा स्पष्ट है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह उन्होंने एक वड्डा सियासी झटका दिता, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह अगे एक बहुत वड्डी चुनौती नवजोत सिंह सिद्धू ने जिहड़े नित दिन उन्होंने विरोधियों के घरों में जाके उन्होंने विरोधियों नाल मिल के कई तरह के बयान दाग रहे हैं। उस दौरान प्रशांत किशोर का छटना जिहड़ा है वो लगता भी निश्चित तौर पर कैप्टन अमरिंदर सिंह की झटका। कारण की है, प्रशांत किशोर को इन्ना वड्डा अहुदा दिता सरकारी खजाने विचों, उन्होंने प्रशांत किशोर को जिहड़ा आ कैबिनेट रैंक की गल की, इन्ना बोझ पाया पंजाब सरकार से, और प्रशांत किशोर इस सारे समय दौरान केवल एक बार मुख्यमंत्री की सरकारी रहायत चाहिए थी, और उन्होंने पंजाब के कुछ कांग्रेसी जिहड़े विधायक से उन्होंने क्लास लाई थी, इस तों अलावा कुछ नहीं किया। तो यह सारी गल तो लगता है कि प्रशांत किशोर को कितने भी शहर कैप्टन अमरिंदर सिंह होना की लोड़ नहीं पई, पर कैप्टन साहब को शायद बड़ी लोड़ थी, पर उन्होंने छड़ जाने कारण अस्तीफा देने कैप्टन अमरिंदर सिंह को कह सकते हैं एक होर जी। तलोचन जी, शुक्रिया फिलहाल दी जानकारी। जो प्रशांत किशोर ने जरा इस्तीफा दे दिता है, जनतक जीवन तो कुछ समा ब्रेक लैण दी गल प्रशांत किशोर ने अपने इस्तीफे च कही है।